हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज का जो वीडियो है क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ रैशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसको बात को पता करना है। अगर इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये पार्ट आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 में डिस्कस किया हुआ है। थ्योरम नंबर 1. क्या कहता है, बोलता है लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू को प्राइम है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m। n और m क्या है, प्राइम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो विदाउट राइटिंग द व्हाट इज ए थ्योरम, आई कैन एक्सप्लेन अगेन थ्योरम नंबर 1.5 कि आपसे क्या कहा जा रहा है, x एक रैशनल नंबर है, x क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो क्वाइट नेचुरल ये किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और कहा जा रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में q इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m होगा, जहां m और n, वेयर वेयर m, n एंड m आर नॉन नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, देख लीजिए, ये इंटीजर्स है, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को हम दिखा रहे हैं आपको, 0 इधर है, 1 फिर 2 यहाँ पर, 3 इधर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये इंटीजर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर, इसको आप क्या बोलते थे, होल नंबर। इसी होल नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को, इधर वाले पार्ट को, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, जीरो इंक्लूडिंग जीरो, होल नंबर के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, होल नंबर के बारे में। तो लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, पहला पार्ट है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, दे आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम, क्लियर है। देन क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m, वेयर एंड एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ऐसा होगा, अगर टर्मिनेट करेगा तो ऐसा होगा। थ्योरम नंबर 1.6 क्या कहता है, ये थ्योरम नंबर 1.5 है, थ्योरम 1.5, थ्योरम नंबर 1.6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, इस बार क्या बोल रहा है कि एक रैशनल नंबर x p बाई क्यू के फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर 2 to the power n, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m, 2 to the power n एंड 5 to the power m, देन दिस डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज टर्मिनेटिंग। 1.5 का कन्वर्स 1.6 है, इसलिए इसमें किसकी बात करता है कि इसका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो q इस फॉर्म में होगा। अब क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है और q 2 to the power n, 5 to the power m के फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट करेगा। 1.7 थ्योरम नंबर क्या कहता है, थ्योरम नंबर 1.7, इट इज द अपोजिट ऑफ 1.5। अगर डिनोमिनेटर 2 to the power n, 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा अच्छे से, तो आप ये बता सकते हैं कब डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेट अस डू सम क्वेश्चंस जिसमें हम लोग जज करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है,
और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका कारण क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसका कारण क्या है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर वन इज 3/8. 3/8 एक रैशनल नंबर है और आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में देख रहे हैं, और डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लेंगे तो 3 को क्या, 3/8 को कैसे लिखेंगे, 3/2 to the power 3. अब यहाँ 5 मिसिंग है तो आप 5 अपने तरफ से डाल देंगे. ये अब आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m. थ्योरम नंबर 1.6 यही कहता है, q इस फॉर्म में है, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा वेदर दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉट, इफ यस फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड. माइंड इट, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. तो अब आप क्या लिखेंगे, 3/8 कैन बी रिटन 3/2 to the power 3. डिनोमिनेटर में 0 या 0 का 10 का मल्टीपल, 10 या 10 का मल्टीपल कैसे आएगा, अगर 2 और 5 का पेयर बना दिया जाए तो यहाँ पर 2 के कितने नंबर्स, कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 5 to the power 3 यहाँ पर लेकर के आऊँगा. चूँकि डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया, सो इट्स माई ड्यूटी टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. तो अब क्या आ जाएगा, ये 3 × 125 / 2 और 5 का कितने पेयर आ रहे हैं, 3 पेयर आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेगा, 100, 3 टाइम्स. अभी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 375/1000. डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 0.375. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है 6/15, मान लीजिए 6/15. तो व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर देख लीजिए आप, इस ये को प्राइम के टर्म में नहीं है, दे आर नॉट को प्राइम. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, को प्राइम के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो दिस इज़ 2 × 3/5 × 3, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2/5. अब आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 0, 5 to the power 1. तो अगेन इट इज टर्मिनेटिंग. व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम नंबर 1.6, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 0, 5 to the power 1, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग. तो थ्योरम नंबर 1.6 कहता है कि टर्मिनेटिंग होगा. फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो अभी क्या करेंगे, 2/2 to the power 0 को हम लोग 2 to the power 1 कर देंगे, और इतने ही से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये था ही नहीं और 5 ऑलरेडी था आपके पास, तो एक पेयर बन गया. अब क्या आ जाएगा, 4/10 इज इक्वल टू 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट बनाया जाए. क्वेश्चन नंबर 3 इज 13/125. आर दे इन द फॉर्म ऑफ को प्राइम, यस, द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू इज 1, को प्राइम के टर्म में है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/5 to the power 3, और यहाँ पर 2 नहीं है, 2 मिसिंग है, तो 2 to the power 0. नाउ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, 5 to the power m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग. अब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 13/125 कैन बी रिटन 13/2 to the power 3 × 5 to the power 3 × 2 to the power 3. क्यों, ये ऑलरेडी था मेरे पास, और इसका पेयर बनाने के लिए हम लोग 2 to the power 3 को नीचे लाए और ऊपर ही मल्टीप्लाई किए. अब क्या आ जाएगा, 13 × 8/1000. सो 8 × 13, 80 + 24, 104 / 1000. डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया, 0.104. इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस, 179/2 to the power 3, 5 to the power 2, 7 to the power 1. अब देख लीजिए डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 to the power n के फॉर्म में, और 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ.
q is equal to 2 to the power 3, 5 to the power 2, 7 to the power 1 is not in the form of, is not in the form of 2 to the power n, 5 to the power m. Therefore, decimal expansion is non-terminating repeating. नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बना लिया जाए यहाँ पर, लेट द क्वेश्चन इज 13 बाई 3125। तो आप देख रहे हैं 3125 के बारे में आप जानते हैं, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, सो 5 to 5 5 25, 25 into 5 is equal to 125, then 625 and then 3125. This is what, how many times it is coming? 5 times. So this can be written 13 divided by 5 to the power 5. Now we can write 2 to the power 0. Denominator is in the form of 2 to the power n, 5 to the power n. Hence, according to theorem number 1.6, NCRT, number of theorem is according to NCRT. This terminates, ये क्या होगा, terminate करेगा, तो terminate करेगा, तो इसका decimal expansion कैसे find out करेंगे, तो 13 divided by 2 to the power 5 लेना पड़ेगा, और 5 to the power 5 already है मेरे पास, और यहाँ 2 to the power 5 multiply कर देंगे, तो अभी क्या आ जाएगा, 2 to the power 5 is equal to 32, अगर आप 2 को multiply करेंगे 5 times, तो how much it will give, see, 2 2 j 4 and then 4 2 j 8, then 8 2 j 16 and 16 2 j 32. So this is coming 13 into 32 divided by how many times 0 will come, 5 times. So abhi isko multiply kar lenge, 13 2 j 26, 6 aa gaya, 2 bacha raha hai, 13 3 j 39 plus 2, 39 plus 2 is equal to 41 divided by how many times, 5 times. So this is 0.00416. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल रहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ थ्री थ्योरम्स ओनली, दैट इज 1.5, 1.6 एंड 1.67। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।